हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, मुझसे बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि हमें आपके वीडियोस का इंतजार रहता है, लेकिन आपके वीडियोस बहुत देर से आते हैं। ऐसा क्यों है? इसका आंसर मैं अपने वीडियो पर ही आज आप सभी को दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव होते हैं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जो भी जानकारी आपको दूं वो पूरी तरह से सही हो। मैं आपको जो कुछ भी बताती हूँ उसे मैं पूरी तरह से सोच समझ कर और पूरी तरह से उस पर रिसर्च करके ही वो इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। इसलिए जब किसी टॉपिक को मैं तैयार करती हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं 100% सही जानकारी ही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ और यही वजह है कि मेरे वीडियोस देर से अपलोड होते हैं। दोस्तों, आज हम विटामिन ई की बात करने जा रहे हैं। मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, इसकी भी एक वजह है। मैंने बहुत सारे लोगों से विटामिन के बारे में जब पूछा तो मैंने देखा कि सभी को विटामिन ए पता है, बी पता है, सी और डी तो पता है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को विटामिन के बारे में भी पता है, लेकिन विटामिन ई का नाम किसी ने भी नहीं लिया या बहुत कम लोगों ने लिया। इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊं कि दूसरे सभी विटामिन्स की तरह ये विटामिन भी बहुत जरूरी है। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन ई हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह एक इफेक्टिव और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके स्किन और हेयर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और हमारे सिर पर वसा या लिपिड की परत, जिसे हम सीबम कहते हैं, उसकी रक्षा करता है, जिससे बालों का झड़ना रुक जाता है। विटामिन ई आपके सिर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे आपके बालों को अच्छा पोषण या नरिशमेंट मिलता है और आपके बाल हेल्दी रहते हैं और आपकी स्किन भी ग्लो करती रहती है। विटामिन ई हृदय संबंधी रोगों से आपको बचाता है, यह कैटरैक्ट होने से भी रोकता है, ब्रेन से संबंधित बीमारियां जैसे डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज के रोकथाम में भी मदद करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कारगर होता है। अब फ्रेंड्स, आप विटामिन ई के रिचेस्ट सोर्सेस के बारे में भी जान लीजिए। विटामिन ई जिन सोर्सेस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो होते हैं नट्स, जैसे कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, इनमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेबल्स में गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों के साग, पालक और ब्रोकली में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फलों में एवोकैडो, कीवी फ्रूट, ऑलिव्स में विटामिन ई अच्छे कंटेंट में पाया जाता है। ऑयल्स में एवोकैडो ऑयल, आलमंड ऑयल, पीनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वीट जर्म ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सभी ऑयल्स में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। दोस्तों, मैंने देखा है कि अक्सर लोग जिन चीजों में विटामिन ई प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो न लेकर के विटामिन ई के कैप्सूल्स खाते हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो विटामिन ई के कैप्सूल्स आप आर्टिफिशियली ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। अगर आप नेचुरली अक्रिंग सोर्सेस से विटामिन ए ले रहे हैं तो उनकी शरीर में अवेलेबिलिटी आर्टिफिशियल सोर्स की तुलना में 2 से 8 गुना अधिक होती है। इसलिए नेचुरल फूड्स को ही प्राथमिकता दें। एक एवरेज एडल्ट की डेली भी विटामिन ई की आवश्यकता 15 मिलीग्राम या 22.4 इंटरनेशनल यूनिट होती है। विटामिन ई नेचुरल फूड सोर्सेस के अलावा अगर आप कोई एडिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।
नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतजार करिए। टिल देन गुड बाय।